सीता आपको याद नहीं करना है? किसने कहा आपको याद करना है? अगर याद करना होता तो मैं आपको बुलेट पॉइंट्स दे देता, कहता इसको रट लो। इतनी शहनाई जो बजाता हूं किस लिए बजाता हूं? तो अभी ये वाली नहीं, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली बजाता हूं। सुन लो मेरी बात, यूजीसी नेट आपसे ये अपेक्षा नहीं करता कि सारे डेट सारे प्लेस आपको याद रहे, ये अपेक्षा उसकी नहीं। फिर क्या अपेक्षा है? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी। जब मैं बहलोल लोधी का नाम लूं तो बहलोल लोधी का एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का आपको परिचय होना चाहिए। सिकंदर लोधी का एक व्यक्तित्व है, उसका परिचय होना चाहिए। इब्राहिम लोधी और उसने जो मोटी मोटी विशेष काम किए वो काम आपको याद होने चाहिए। वो तो एक बार मैं समझा रहा हूँ, उसी समझाने में ही याद हो जाएगा। रटना नहीं है आपने कि बैठ के रट रहे हो। अब ये सिकंदर लोधी ने शहर बसाए हैं तो सिकंदरपुर, फर्रुखाबाद, सिकंदरपुर खैरी, सिकंदरपुर फर्रुखाबाद, सिकंदरपुर फर्रुखाबाद, सिकंदरा कानपुर, सिकंदर राव अलीगढ़, सिकंदर राव बुलंदशहर, ऐसे रटना नहीं है। आपको इतने डिटेल में मैं जो समझाता हूँ इसलिए समझाता हूँ कि एक इसका पूरा माहौल आपके दिमाग में घर कर जाए। एक वातावरण है हर एक शासक का, वो वातावरण आपके दिमाग में घर कर जाए। और जो मैं नोट्स बनाता हूँ ये सारा स्लाइड में लिखा हुआ है, सारा लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, फिर भी मैं फिर से नोट बनाता हूँ उसको यहाँ समझाने के क्रम में, ताकि आप भी साथ साथ में नोट्स बनाएंगे और जो कंफ्यूजन होगी साथ के साथ पूछेंगे। संजय उसी काल में चले जाते हैं। अगर आप ढंग से उसको इम्बाइब करोगे तो आपको लगेगा कि आप मेडिवल में ही हो। एक बार आपने अपना नोट बना लिया, कितने लोग, बड़ा अच्छा बेहतरीन नोट बना, तो कितने नोट बना लिया, इसका पीडीएफ डाउन, नोट नहीं भी बनाया तो विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन ज्वाइन कर लिया, डाउनलोड कर लिया, एक बार रीडिंग लगाई, सारा समझ गया। उसमें दो चार डेट आएंगे, दो चार फैक्ट्स आएंगे, उसको थोड़ा दो तीन बार पढ़ लो, याद रहेगा। देखिए जी आर एफ अभिलाषा आ गई। कैसी हो अभिलाषा? इसलिए तो मैं इतना बोलता रहता हूँ, मेरे इतना बोलने का मतलब ही नहीं है। पहले तो सारा कंटेंट पढ़ो, फिर उसको पीपीटी बनाओ, फिर उसको टाइप करो, फिर उसमें क्वेश्चन डालो, फिर उसको पिक्चर्स डालो, फिर उसको क्लास में आके सब कुछ समझाओ। ये बड़ी लंबी दास्तान है। मैं भी ठीक हूँ, अगला सुबह दिनों बाद आई। तो कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से पंजाब के अमीर परेशान थे बाबर से, और बाबर को लेटर लिखा। इसमें आलम खान लोधी, बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी, और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी काबुल गया, बाबर से मिला, और इसकी मदद अच्छा, ये है इसका आलम खान लोधी। इसकी योजना ये थी कि बाबर आएगा, इब्राहिम को हराएगा और इसको बना देगा सुल्तान, ये सोच रहा था। और इसकी मदद कर रहा था गुजरात का शासक। गुजरात के शासक ने इसको सुल्तान घोषित कर ही दिया था, अलाउद्दीन के नाम से। अलाउद्दीन का नाम भी दे दिया था, सुल्तान अलाउद्दीन। और दूत वाला भी मैंने आपको बताया कि जब बाबर जब हीरा में था तो उसने मुल्ला मुर्शिद को दूत बना करके भेजा कि तुर्कों वाले प्रदेश उसको सौंप दिए जाए, और इसी ने उसकी हत्या कर दी। अब बाबर हो गया आग बगुला, और इसी वजह से पानीपत की लड़ाई हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हाँ जी, चांदनी। पानीपत की पहली लड़ाई
इसके नाम से मूवी भी बनी है, पानीपत। इक्कीस अप्रैल 1526 को हुई। इसमें इब्राहिम लोदी हारा गया और मारा गया। तारीख है खान जहानी किताब है, इस किताब को किसने लिखा है? बिल्कुल नियामतुल्ला। ये कहता है कि इब्राहिम लोदी एकमात्र भारतीय सुल्तान था जो युद्धभूमि में मारा गया। यदुनाथ सरकार भी इस तरह का एक विवरण देते हैं कि इब्राहिम लोदी का जो फौजी खेमा था ना, वो चलते हुए फिरते एक शहर की तरह था, अव्यवस्थित शहर की तरह। बाबर ने इब्राहिम लोदी के बारे में लिखा है कि वह एक अनुभवहीन व्यक्ति था। बाबा नाम अनुभवहीन और लापरवाह, बिना किसी प्लानिंग के चल पड़ता था, बिना किसी प्लानिंग के रुक जाता था, आराम करने लगता था, आगे देखे बिना तलवार उठा के लड़ने लगता था। तो दिल्ली सल्तनत पैदा हुई थी 1192 में तराइन की लड़ाई में, और दिल्ली सल्तनत ने अंतिम सांस ली 1526 में। ये थी शुरुआत दिल्ली सल्तनत का और खात्मा। पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तुगलमा युद्ध पद्धति और ये सब हम पढ़ेंगे जब बाबर का एपिसोड पढ़ेंगे तब, उसके पहले में। लेकिन इस पूरे एपिसोड में लोधी डायनेस्टी ने अफगानों का राजत्व का सिद्धांत इंपॉर्टेंट, अफगानों का राजत्व तो क्या था, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है तारीख ए दाऊदी। ये किसने लिखा है? तारीख ए दाऊदी अब्दुल्ला खान। ये अफगानों के राजत्व तो की जानकारी देते हैं। आरबी त्रिपाठी का ये कहना है कि एक संघ राज्य था। संघ राज्य क्या होता है? बहुत सारे स्वतंत्र रियासतों, जागीरों और प्रदेशों का गठजोड़, यानी अमीर स्वतंत्र भी थे और अमीर इनके मातहत भी थे। ये अफगानों की पद्धति ही थी, अफगानिस्तान में ऐसे ही शासन चलता है। एक और किताब है इंपॉर्टेंट, तज़किरात उल अबसार। ये किसने लिखा है? बिल्कुल नहीं, आज आज तालिबान आ गया है तो लगभग वैसा ही है, देखते ना सारे कई तालिबानी एक साथ ही। तज़किरात उल अबसार के लेखक कौन है? वेरी गुड संजय, अरखुंद दरवेजा। इसका नाम तज़किरात उल अबसार बल असरार, ये इसमें लिखते हैं कि पुराने समय में अफगानों ने कभी भी एक राजा स्वीकार नहीं किया था और वे उद्दंड रहते थे, किसी को इतना अधिकार नहीं देते थे कि उनके ऊपर शासन कर सके। ये सोचते हैं अगर कोई राजा हो गया तो प्रकारांतर से उनके नौकर हो गए, इसलिए सभी अफगान खुद को कहते थे मलिक,
मलिक समानार्थी था मालिक। और अफगान, खिलजी, तुर्की इनके सेवक भी रह चुके थे। और जिस समय इन्होंने सत्ता प्राप्त की, उस समय तो ये सत्ता में आते ही किसी के अधीन क्यों होंगे, तो एक विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, इसलिए शक्तिशाली राजतंत्र नहीं बन पाया। हालांकि सिकंदर लोधी ने कोशिश की थी इस चीज को दूर करने की। बहलोल लोधी ने इसको सुदृढ़ किया। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको संघ राज्य कहेंगे। यही कारण था कि जब भी इब्राहिम लोधी की डेथ हुई तो उन्होंने अपने बेटों में साम्राज्य को बांट दिया। सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई तो उसने भी साम्राज्य को इब्राहिम लोधी और जलाल खां में बांट दिया। बहलोल लोधी को अंतिम बीमारी के समय और इनको बगावत करने में भी ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि राजा का रुतबा वाला ये बात ही नहीं समझते थे। इसीलिए इब्राहिम लोधी ने जब उद्दंडतापूर्व व्यवहार किया तो इसके चाचा आलम खां को गुजरात से आमंत्रित करना पड़ा। दिल्ली की सेना राजा की सेना नहीं थी, कबीलाई सेना थी। और पानीपत के युद्ध में इनके हार के प्रमुख कारणों में से ये भी था। कुछ चीजें सिर्फ राजा के ही हक में थी, जैसे नौबत, हाथी रखना, सिर्फ राजा रखते थे। लेकिन लोधी काल में हम देखते हैं कि सरदारों ने भी हाथी रख छोड़े थे। जैसे आजम हुमायूं सरवानी के पास 100 हाथी थे अकेले, और जब भी ये लड़ने जाता था तो हाथियों के साथ जाता था। आजम हुमायूं सरवानी कहाँ का अमीर था। ग्वालियर गुजरात में। क्या इसकी पूरी कहानी आपको बताई ना। लोधियों की एक और विशेषता थी, ये लड़ाई करते करते बीच में जैसे होता ना कि टिफिन टाइम होता है, युद्ध विराम, ये लड़ाई करते करते बीच में होल टाइम कर देते थे। मतलब लड़ाई चल रही है, इनका दिल नहीं किया लड़ने का तो बुढ़िया बिस्तर उठा करके बैठ गए, फिर जब इनका दिल किया फिर लड़ने आ गए, तो बीच में पॉज ले लेके लड़ते थे। इसलिए आप देखिए ग्वालियर से कितनी बार संघर्ष किया, कितना लंबा संघर्ष ग्वालियर से, शर्की डायनेस्टी से, जौनपुर से कितना लंबा संघर्ष, राजपूतों से, कई पीढ़ियों तक लड़ाई चलती रही। तो इसको इतिहासकारों ने कहा है युद्ध विराम का सिद्धांत। पॉज लेने के लड़ना। एक और इसमें विशेष बात थी, इस युग में लाहौर से लेकर के मणिकापुर तक बहुत ज्यादा जमींदार थे, और जमींदार ऐसे थे जैसे छोटे 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 राज्य। तो ये बहुत सारी दरारें पड़ी हुई थी पूरे साम्राज्य में, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू एवरीवेयर, बहुत सारी दरार थी। तो लोधियों ने इस माहौल में भी राज्य खड़ा कर लिया, ये बड़ी बात थी। और इसीलिए इन्होंने अपनी राजधानी को आगरा बनाया, क्योंकि आगरा ठीक बीचों बीच में पड़ता था, और यहां से जो छोटे 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 जमींदार थे उन पर नियंत्रण करना भी आसान था, खासकर इटावा, अलीगढ़, बदायूं के जमींदार, मेवाती। लोधियों के राजत्व की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन्होंने दैवीय सिद्धांत का सहारा नहीं लिया। इनका राजत्व भ्रातृत्व पर निर्भर था, भ्रातृत्व, भाईचारा। राजतंत्र देखने में था लेकिन था ये कुलीन तंत्र। बहलोल लोधी कहता था कि मैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स हूँ, समानों में प्रथम हूँ, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। वाकियात मुस्ताकी का लेखक कौन है?
ब्रिजकुल्ला। ये कहता है कि बहलोल लोधी कभी भी अपने सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि गलीचे पर बैठता था और अपने अमीरों को मसनद आदि कहता था। कुछ अमीर खड़े भी रहते थे, तो बिरादरी की भावना पर इनका शासन चलता था। यानी राजत्व तो बंधुत्व तो है। सिकंदर लोधी को यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती थी कि बिरादरी बिरादरी यानी राजा कोई मतलब ही नहीं है, और बिरादरी की भावना मतलब भाईचारे की भावना का जो ऋण था उसकी अदायगी को कहते थे हक ए बिरादरी, हक ए बिरादरी। अब्दुल्ला खां कहता है कि बहलोल लोधी ये कहता था कि इतना काफी है कि मेरा नाम मुझे लोग राजा कहते हैं कम से कम। तारीख ए दाऊदी का लेखक कहता है कि बहलोल लोधी आडंबरहीन था, वो ज्यादा ड्रामा नहीं करता था। जब खाना खाता था दरबानों को कहता था जाके तुम भी लंच कराओ, और जो भी अगल बगल रहते थे सबको बुला लेता था और खाना खाओ, अमीरों को खड़े नहीं रहने देता था। इवन दीवाने आम में भी वह सिंहासन पर नहीं बैठा। कोई संजोग बस उससे रूठ जाता तो उसे घर चला जाता उसको शांत करने, उसको मनाने, और अपनी तलवार और पगड़ी उसके सामने रख देता और कहता कि यदि तुम मुझे राजा बनाने लायक नहीं समझते हो किसी और को बना लो, मुझे कोई और जिम्मेदारी दे। तो राजत्व तो इस समय ये हो गया कि एक साधारण अमीर राजा जैसा हो गया। सिकंदर लोधी ने तुर्की राजत्व तो को स्टेब्लिश करने की कोशिश की, कट्टरता। तो सिकंदर लोधी का राजत्व तो बेसिकली तुर्की सुल्तान की तरफ बहलोल लोधी के राजत्व तो को खींचने जैसा था। सिकंदर लोधी कहता था कि भारत के लोगों पर शासन करना है तो अफगान का सिस्टम नहीं चलेगा, ये अफगानिस्तान थोड़ी ना। और सुल्तान का टेरर होना चाहिए, टेरर नहीं होगा तो फिर बेकार। तो सिकंदर लोधी ने सिस्टम को चेंज किया, ऊंचा सिंहासन बनवा के उस पर बैठना शुरू किया और कहता था कि मैं एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बिठा करके ले जाएंगे। और इसने सिस्टम बनाया जिसमें जानबूझकर के राजा को हाईलाइट किया जाए। सिस्टम बनाया कि कोई भी मेरा दूत, संदेशवाहक, अगर कहीं खुद नहीं दूत अगर कोई मैसेज लेके जाता है तो वहां के गवर्नर अपने हेडक्वार्टर से 6 मील की दूर आकर के उसको रिसीव करें, दूत वहां नहीं जाए क्योंकि सुल्तान का दूत। और शाही दूत जब जाता था तो वो वहां के गवर्नर को एक ऊंचे सिंहासन टाइप पे बैठ करके फरमान देता था और वो फरमान को उठा करके अपने माथे पे लगाते थे, फिर उसको मस्जिद ले जाके पढ़ते थे। अमीरों को यह अनुभव कराया गया कि सुल्तान के नौकर थे और उनका पद और अधिकार पूरी तरह से उनकी स्वेच्छा पर निर्भर था। और भी तरीके निकाले, जैसे जागीरों की जांच करवाई, अगर किसी की गड़बड़ निकली जांच तो उसको दंड दिया। तो ऑफिशियल हथकंडों से उन पर कंट्रोल करना शुरू किया, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई गलत प्रबंधन कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, घुसखोरी, बड़ा कड़ा उस पर एक्शन लिया जाता था। यानी थोड़ा भी मिस्टेक हो जाए तो उसको कड़ा दंड। तारीख ए दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला खान लिखता है कि एक बार संभल में चौगान खेल रहा था सिकंदर, तो दो अफगान अमीर उसके सामने ही लड़ाई करने लगे। तो उसने एक अमीर को आगे पेड़ था उस पेड़ पे उल्टा लटकवा दिया, दूसरे अमीर को उसके सामने ही कोड़े मरवाए। लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि क्या कर रहे हो, ये अपना ही बनता है, अपना ही काम करता है, आपस में लड़ रहे थे, तुमसे थोड़ी लड़ रहे थे, तुमने क्या किया? इसने कहा राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता और कुनबा परस्ती नहीं चलेगी। तो इस तरह से सिकंदर लोधी ने पूरा का पूरा बहलोल लोधी का सिस्टम चेंज कर दिया और अमीरों से व्यवहार में कोई सम्मान प्रदर्शित नहीं किया, बड़ा कठोरता से पेश है। और अपने दरबारियों से कहता था कि दरबार में जब खड़े हो तो कैंची ऐसे बना के खड़े हो। आपने शायद वो फिल्म देखी होगी जोधा अकबर, उसमें दीवाने आम या दीवाने खास में जो खड़े होते हैं उलेमा, वैसे खड़े रहते हैं।
सिकंदर लिखा, सिकंदर। ये कैंची नम्रता का प्रतीक, नम्र भाव का। तो यहां तक बात समझ में आई? ये तो हो गया था। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था, उनसे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस सुल्तान की पहचान कीजिए। सिकंदर लोधी था। बहलोल के विपरीत अफगान राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सही है? बहलोल के विपरीत सिकंदर लोधी ने राज्य सिंहासन पर बैठना शुरू किया। कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता। वह अभी भी समान हैसियत वालों में प्रथम के सिद्धांत में विश्वास करता था। अमीरों तथा आमजनों के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए। एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को, राज्य को और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों से सूचित रखती थी। इनमें सही उत्तर क्या है? ये बी सी डी है। समझ गया। तो ये इस तरह से आपका लोधी डायनेस्टी समाप्त होता है। लेकिन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं, कोई डाउट नहीं हो तो मिडिवल हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज में अपलोड करता हूँ और वो मैं आपसे पूछूंगा। इसलिए मुझे 2 मिनट का टाइम दो। डोंट गो एनीवेयर एल्स।
हाँ जी, हेलो, नमस्ते हाँ जी, नमस्कार। सर। सर मेरा एक डाउट था। ये हाँ जी बताओ। जो अफीक की पुस्तक है तारीख़ फिरोजशाही, इसमें अफीक कहता है कि फिरोजशाह तुगलक के राज्य में जनता मजे से रहती है और समृद्ध है, समृद्ध थी। और फिर उसी में एक जगह कहता है कि अधिकांश जनता अपने परिवार के भरण पोषण में असमर्थ थी और उनके कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए वे शीघ्र मृत्यु की कामना करते थे। तो सर ये दोनों बातें एक ही जगह कैसे? इसका कोई प्रमाण है कि उसी में दोनों स्टेटमेंट दिया है? नहीं सर, वो आपने बताया था, पीडीएफ पढ़ रही थी कल, तो उसमें देखने के देखो, बाद। दोनों अफीक का ही स्टेटमेंट है जी सर, और दोनों फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही है, जी सर, दोनों उसी के बारे में। लेकिन इस पर मुझे संदेह है। मुझे लग रहा है पहला वाला स्टेटमेंट, पहला वाला फिरोज शाह तुगलक के बारे में, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। नहीं सर, पीडीएफ में तो दोनों फिरोज के बारे में था और बाकी पता नहीं। फोटो उसे स्क्रीनशॉट भेजो ना, जरा देखें। ठीक है सर, लेकिन क्लास स्किप करना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे, ऐसे चलते चलते फोटो खींच लो। हाँ, अच्छा, नोट्स का? नोट्स का ओके नहीं, सर, पीपीटी का। तो वो कैसे करेंगे? हाँ पीपीटी तुम्हारे मोबाइल में सेव हुआ होगा ना, सर, तो पीपीटी खोलो, उसे अच्छा हाँ, मैं हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, भेजो, देखते हैं। इसमें सुमेलित क्या है? रिवाक, एक मस्जिद की स्तंभावली। नहीं सपना, मैं नहीं ले पाया। गुलदस्ता, एक सजावटी बुर्ज, रोजा, पीर का मकबरा, आयामान, मीनाद्वार। रोजा इस्लाम में एक कर्तव्य है, 5 कर्तव्यों में से एक, रमजान के महीने में उपवास रखना। भारत में सीधे पत्थरों के दीवारगारों के प्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण क्या है? कुतुब इस्लाम, अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार, अलाउद्दीन का मकबरा। अलाउद्दीन का मकबरा। ये अलाउद्दीन का मकबरा आपको दिख रहा है? ये दीवारें बिल्कुल सीधी हैं। कुतुब मीनार की दीवारें देखोगे तो वो थोड़ी सी तिरछी, कुतुब मीनार की दीवारें ऐसी हैं। अलाई दरवाजा की भी तिरछी है।
इसके बिल्कुल सीधे हैं। अलाउद्दीन खिलजी, टॉम बाबा अलाउद्दीन खिलजी, ये कुतुब मीनार में है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में। देखो नेहा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहली तो बात, अफीक तारीख है फिरोज शाही में लिख रहा है, ये निश्चित रूप से इसका नाम तारीख फिरोज शाही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें सिर्फ फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही लिखा हुआ है। इसने लिखा है कि फिरोज के राज्य में जनता मजे से रहती थी और समृद्ध थी। यहाँ फिरोज का नाम आ रहा है। अफीक लिखता है कि अधिकांश जनता अपने परिवार के भरण पोषण में असमर्थ थी और उनके कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए वे शीघ्र मुक्ति की कामना करती थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा हुआ, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि स्त्री बुरी है, औरत मर जाए तो बेहतर है, और अफीक की रचना सल्तनत के पतन का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है। अब सल्तनत का पतन शुरू हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल से, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही साथ एक ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दिए गए। हालांकि दोनों स्टेटमेंट एक तो फिरोज के तुगलक में लिखा है साफ साफ, अगर ये लिख देता कि वो जनता बर्बाद हो रही थी फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में, तब इसको फिरोज का संरक्षण कैसे मिलता। फिरोज ने किसको संरक्षण दिया ना, समझ गए। कमल के फूल का अलंकरण के रूप में उत्कीर्ण निम्न में से किसके भवनों की प्रमुख विशेषता है। खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। में बना हुआ फिरोज शाह के तुगलक का मकबरा है। मकबरे के ऊपर आप देख रहे हैं छत पे ये लोटस की तरह अलंकृत किया गया है इसमें, कमल कमल की तरह। कौन सा एक निर्माण कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, कुबतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा।
स्थान है जहाँ तेलंगानी का मकबरा है निजामुद्दीन है दिल्ली में। इसमें असुमेलित क्या है? लाई दरवाजा, काली मस्जिद, सिकंदर लोधी का मकबरा, खाने जहां का मकबरा। ये सिकंदर लोधी का मकबरा। पंद्रह सौ सत्रह में बनना शुरू हुआ, 18 में कंप्लीट हुआ। कौन सा ऐतिहासिक स्रोत सिंध प्रांत से संबंधित नहीं है? चचनामा, तारीख ए मासूमी, हदीकातुल आलम, तोहफतुल किराम। राइटर का नाम मत पूछो मुझसे। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा। टेढ़ा सवाल है। हाँ, एनोनिमस भी हो सकता है, तो इसकी पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। तो फुतुल किराम के तो है, कुमार पाल प्रबंध के रचयिता कौन है? हेमचंद, जीन मंडल, जयसिंह सूरी, उदयराज।
हाँ जी, तो देखने से लग रहा अलग अलग है। कुमार पाल चरित्र तो बड़ा फेमस है। निर्गुण भक्ति मार्ग के संत कवियों में कौन शामिल नहीं है? ईश्वरदास, रैदास, कबीरदास, गुरु नानक। ईश्वरदास बाड़मेर राजस्थान के हैं और इनका जन्म हुआ है 1515 ईस्वी में। तो ये सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति करते हैं। सर्व रसायन में सरस हरिरस सभी न पोए, एक घड़ी घर में रहे शहर कंचन होए। हरिरस हरिरस हे कहे, अनरस अनरस आन, बिन हरिरस हरि भगत बिन जन्म वृथा कर जान। इनमें क्या सुमेलित है? शास्त्र दीपिका गंगाधर, प्रताप पुत्र कल्याण, जयदेव, पार्वती प्रणय, बामन भट्ट मार, प्रताप पुत्र यशो भूषण मल्लाचार्य। इस्लामिक फुलतूस सलातीन के संबंध में असत्य कथन क्या है? इसकी रचना बहमनी शासन अलाउद्दीन के दरबार में की गई और उसी को समर्पित है। इसका अन्य नाम शाहनामा हिंद है। यह प्रांतीय राजवंशों के इतिहास के संबंध में प्रथम रचना है और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल का वर्णन प्रशंसात्मक शैली में किया गया है। फुतुह सलातीन मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना। फुतुह सलातीन का एक और नाम इतिहास में मिलता है, कोई बताएगा कौन सा नाम है? शाहनामा हिंद। शाहनामा नहीं, तो ये पोएटिक स्टाइल में लिखी गई है, मसनवी। इसमें बहुत सारे फैक्चुअल मिस्टेक्स भी हैं।
अच्छा ऑप्शन में भी है। हाँ, निम्न में से कौन सी एक रचना अमीर खुसरो से संबंधित नहीं है? हाँ, चरखे कैसे, आईने सिकंदरी, कुतुब कमाल, मासी रे शाह, काशिका। भरनी के ऐतिहासिक वर्णन के संबंध में असत्य कथन है। वह मोहम्मद बिन तुगलक की चरित्र अंतर्विरोधी विशेषताओं की बातें करता है। फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा करते हुए कहता है कि सुल्तान के खुतों और मुकदमों को समृद्ध किला है जिनके पास अवरगिनत घोड़े हैं। वह वर्ग संघर्षों की वास्तविकता में विश्वास नहीं करता। वह मुल्तानी और शाहों का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के दौर में कुलीनों और नौकर शाहों के अलावा एकमात्र अमीर लोगों के रूप में करता है। मिडिवल जब कंप्लीट हो जाएगा तो यह सवाल लगेगा। ये खूब वर्ग संघर्ष में विश्वास करता था, असुमेलित है। कोहिल अलीगढ़, दुर्गढ़, चंबा, कुल्लू, कुल्लू घाटी, कामता आश्रम। किस सूफी संत ने 1347 में घटित महमनी क्रांति को विधि सम्मत इस्लामिक राज्य बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई? जैन अल दीन सिराजी, बुरहानुद्दीन गरीब, यशोदास, शेख शरासुद्दीन उस्मान। जैन अलदीन सिराजी के बारे में कुछ भी नहीं सुना? 1236 से लेकर के 1311 ईस्वी तक ये फारस, फारस में जगह है सिराज, वहां के निवासी थे। इसलिए कभी वैज्ञानिक, गणितज्ञ, संगीतज्ञ, फिजिसिस्ट, सूफी सब कुछ थे।
द लैंग्वेज ऑफ गॉड संस्कृत किसने लिखी है? संजय सुब्रमण्यम, रिचर्ड एंटन, सेल्डन पॉलक, ओम ब्रेविक। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? अमीर वर्ग के लोग अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए अलग से अध्यापकों की नियुक्ति करते थे। प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र मकतब और उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र मदरसा होता था। मध्यमिक परीक्षा की नियमित प्रणाली प्रचलित थी। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम फारसी और उच्च शिक्षा का माध्यम अरबी था। मध्यकाल में अरबी शिक्षा नहीं दी जाती थी, न प्रारंभिक न उच्च। तुर्की भाषा जरूर प्रचलित था सल्तनत काल में, तुर्की और फारसी। परीक्षा की प्रणाली थी, कुरान कंठस्थ कराया जाता था, उसका टेस्ट लिया जाता था, उसको इज्मा कहते थे। आसाम की पेपर वन की क्लास में हम पढ़ेंगे फैलेसीज, ठीक है ना, है तो आभास। तो ये फाइनल लेटर कोड है, समृद्धि फर्स्ट, अभिमन्यु सेकंड, प्रीति थर्ड, शुभा सात्विक, मलय ज्योत, सपना एकता, हर्षित और नेहा। फैलेसी इन लॉजिकल रीजनिंग। तो इसी के साथ शत्रु कहीं विराम देते हैं, मिलते हैं 9 बजे।